फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इसके बाद कोई भी एक रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट से सेम रेडियस से और एक आर्क ड्रॉ किया और ये तीनों पॉइंट को नाम दे देंगे ए पी क्यू। अब क्यू से और एक आर्क ड्रॉ करना है सेम रेडियस से, इस पॉइंट को दे देंगे आर। ठीक है, अब क्यू और आर पॉइंट से और भी दो आर्क ड्रॉ करना है, रेडियस सेम रहेगा पी क्यू पी सॉरी क्यू और आर लेंथ लेके दो आर्क ड्रॉ कर लिया। अब क्यू और आर से इस पॉइंट को दे दिया सी। अब ए और सी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे, ए और सी को ध्यान से मिलाना है, नहीं तो 1-2 degree का डिफरेंट हो जाएगा, सो अच्छे से मिलाना है। अब ये हो गया 20 degree angle। अब ये 20 degree angle का बाइसेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10 degree angle। डी और पी पॉइंट से दो आर्क ड्रॉ किया कोई भी रेडियस से बाइसेक्ट करने के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ई। अब ए और ई को बहुत अच्छे से मिलाना है, ये हो गया 10 degree angle। हम देख सकते हैं ये हो गया 10 degree angle, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो हो गया 10 degree angle। ओके, 20 degree angle क्रिएट करके उसका बाइसेक्ट करके इजीली हम लोग 10 degree angle क्रिएट कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।